चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बहुत ही यूनिक रेसिपी बनाने वाले हैं और बहुत ही मज़ेदार। तो इस कपकपाती ठंड में हम लेके आए हैं आपके लिए मटर से बनी हुई रेसिपी, जो आप कम से कम 1 से 2 हफ्ते तक रख के स्टोर करके खा सकते हैं। तो उसके लिए हमने ली है यहाँ पे हरी मिर्च और एक अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है, लहसुन लिया है मैंने छील के ढेर सारा, और धनिया को बारीक कट कर लिया है। और इसके लिए मैंने ली है यहाँ पे ढेर सारा मटर लिया हुआ है, लेकिन मैं ये सारा मटर यूज़ नहीं करूँगी, इसमें से मुझे 2 ही कप यूज़ करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने यहाँ पे हरी मिर्च और लहसुन और अदरक ली हुई है, इसको पीस लेंगे मिक्सी में। बहुत इसका बारीक पेस्ट हमें नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है। और साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें मटर, करीब मैंने यहाँ पे 3 कप मटर ली है, और अब इसको दरदरा पीस लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का टेक्सचर है इसका, थोड़ा सा मोटा मोटा ही मैंने पीसा है इसको। ऐसे ही बिल्कुल परफेक्ट स्टेज होती है इसकी रेसिपी के लिए, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको पीसना है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पे जो मटर लेनी है वो मटर मीठी वाली लेनी है, आपको ज़रा सा टेस्ट कर लेना है, क्योंकि जो मीठी वाली मटर होती है ना, मुलायम वाली, वो बहुत ही अच्छी लगती है इस रेसिपी में। तो अब इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में, इसको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब कर लेते हैं दूसरा काम। तो यहाँ पे मैंने एक परात ले ली है, आप चाहें तो एक बाउल ले लीजिए। और यहाँ पे मैं गेहूँ का आटा लूँगी, तो यहाँ पे आप चाहें तो मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गेहूँ का आटा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक हेल्दी वर्जन बनाना है। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 3.5 कप आटा लिया हुआ है। और अब इसको इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, अजवाइन को थोड़ा सा हम ऐसे क्रश करके डालेंगे हाथों पे, ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाए आटे में। और 1 चम्मच डाल रहे हैं यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक, और इसका स्वाद डबल करने के लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं बेसन। बेसन करीब 2 चम्मच है यहाँ पे 3.5 कप गेहूं के आटे में। और अब यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम रिफाइंड ऑयल, आप चाहें तो घी का यूज़ कर सकते हैं इसे मोइन करने के लिए। करीब मैंने यहाँ पे 3 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पे अच्छे से मोइन हो चुका है। ऐसे हमें मुट्ठी बांध के चेक कर लेना है, अगर आटा हमारा बन रहा है तो यानी कि परफेक्ट मोइन हमारा हो चुका है। तो चलिए अब इसको गूंथ लेते हैं, बहुत सख्त डो नहीं बनाना है हमें, ये ध्यान रहे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसे गूंथ लेंगे। तो इसे और थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, और फिर 5 मिनट के लिए इसे ढक के रख देंगे, ताकि अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा के इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट काम कर लेते हैं। तो ये जो मैंने मटर पीस के रखा था, इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, और 1 टेबल स्पून घी ले लिया है, देसी घी है ये, और इसको डाल देंगे मेल्ट होने तक। घी हमारा यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे 1 चम्मच सौंफ, सौंफ से बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, और 1 चुटकी हींग, और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। यहाँ पे जीरा, सौंफ और हींग हमारी अच्छी तरह से चटक चुकी है, तो अब डाल देंगे हम यहाँ पे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर,
एक चम्मच डाल रहे हैं यहाँ पे चाट मसाला। आप चाहे तो नींबू के रस का यूज़ कर सकते हैं या फिर आमचूर पाउडर का। और थोड़ा सा डाल रहे हैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स, ये देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी ये जब स्टफिंग बनके तैयार होगी। और करीब आधा चम्मच डाल रहे हैं हम पाव भाजी मसाला। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे करीब 2 चम्मच बेसन, और इसको भी अच्छी तरह से इसमें भून देंगे। जब बेसन हमारा अच्छी तरह से हो जाएगा तो इस तरह से कुछ घी रिलीज करने लगेगा और खुशबू भी बढ़िया आने लगेगी। तो यहाँ पे बेसन हमारा अच्छी तरह से हो चुका है और खुशबू भी अच्छी आने लगी है। तो अब हम डाल देंगे ये मटर जो मैंने पीस के रखा था। और अब हम डाल रहे हैं नमक। नमक हमें थोड़ा सा कम ही डालना है क्योंकि मैंने आटे में भी डाला था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें डालना है यहाँ पे। यहाँ पे जो भी हमारा मिश्रण था वो अच्छे से ड्राई हो चुका है, तो अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मिश्रण हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, तो अब हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया और इसको मिक्स कर देंगे। इसके अब छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने सारे बॉल्स बना लिए हैं और अब चलिए चेक कर लेते हैं अपना आटा। तो आटा यहाँ पे हमारा बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, तो चलिए अब इसके भी छोटे छोटे से बॉल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चकला ले लिया है और थोड़ा सा डस्ट कर लिया है आटे को सूखे। और अब यहाँ पे बना लेंगे छोटी छोटी सी लोइयाँ, क्योंकि हम यहाँ पे बना रहे हैं मटर की बहुत ही खस्ता करारी कचौरियाँ। तो बस इन्हें हाथों से बस ऐसे प्रेस कर देना है गोल गोल करके। आप चाहें तो इन्हें बेल करके भी इन्हें फिलअप कर सकते हैं। और बस ये लोई ले लेंगे इसकी मटर की फिलिंग की, और बस इसे इस तरह से दबाते हुए सील कर देंगे। और वापस से इसे गोल करके ऐसे हाथों से प्रेस कर देंगे। और ये देखिए बन गई मेरी परफेक्ट कचौड़ी। तो ऐसे ही सारी मैं बना के रख लेती हूँ, उसके बाद मैं तलना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तेल हमारा गरम हो चुका है और यहाँ पे अब हम कचौड़ियों को तल लेंगे। ध्यान रहे फ्रेंड्स, कचौड़ियों को तलने के लिए हमें गैस को मीडियम टू लो ही रखना है और इन्हें उलटते पलटते अच्छी तरह से तल लेना है। बहुत हाई फ्लेम में अच्छी तरह से फूलेंगी नहीं और जल जाएंगी। और फ्रेंड्स बता दूं आप लोगों को कि मेरा चैनल न्यू है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और फेसबुक पे मेरी आईडी मेरा पेज बना हुआ है, वहाँ पे अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ वहाँ पे भी फॉलो करिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उन्हें शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कचौड़ियाँ हमारी यहाँ पे एकदम अच्छे से ब्राउन हो चुकी हैं रेड रेड सी। तो बस अब इस स्टेज पे हमें इन्हें निकाल लेना है। कुछ कचौड़ियाँ मैंने उस तरह से बनाई थी और कुछ इस गोल सेप में मैंने बनाई है, आपको जो सेप पसंद आए आप वो ट्राई कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ये भी कचौरी हमारी बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। ये देखिए कलर भी परफेक्ट आ चुका है। तो चलिए अब इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कचौरियाँ बनके रेडी हैं। कितनी फूली फूली सी मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इन्हें ज़रूर इस ठंड में ट्राई करें। और मटर तो काफ़ी सस्ती आ रही है, तो प्लीज़ 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 इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि कैसी बनी है ये रेसिपी। बहुत ही अच्छी है, और एक बार बनाएंगे आप ना तो बार बार ठंड में बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया लग रही है, मुझे तो बहुत पसंद आई। और ये वाला सेब ना बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही परफेक्ट लग रहा है देखने में। तो ओके फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।